सर, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए फ्रेश न्यू ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो में। स्वेयर मैंने सोचा नहीं था कि मैं बनाऊंगा, लेकिन चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो सीधा यहाँ से 20 से फिर स्टार्ट करते हैं। 3 मेरे किल्स हो चुके हैं और अपने टीममेट्स भी अभी अच्छे खासे किल्स हो चुके हैं। हम लोग अभी दो स्क्वाड शायद अभी तक खेल चुके हैं हम लोग, और 2-3 बार मैं नॉक हो चुका हूँ। सो गाइस, यहाँ पे अपन लोग जाएंगे जोन में। सॉरी यार, मैं बीच से ही गेम प्ले स्टार्ट कर देता हूँ। मैं सोचने वाला नहीं था, क्योंकि मेरा गेम प्ले उतना अच्छा नहीं जाता, कई बार और अच्छा जाता है तो कर ही देता हूँ। सो अच्छा खासा हम लोग जा रहे थे इधर, और हम लोग जोन में जा रहे थे। अभी थोड़ा बहुत लैग कर रहा था अपना गेम, और अभी अपन लोग जाएंगे जोन में। थोड़ा सा वेट करो, ज़्यादा लंबा नहीं है गेम प्ले, और उसके बाद देखना आप लोग क्या होता है। यहाँ से एक के पास आप लोगों को आ जाता है फायरिंग का साउंड, आप देख लो यहाँ पे। और ये बंदा कैसे पिला जाएगा वो देखना। बस गाड़ी में बैठे बैठे 2-3-6 M416 के स्प्रे के साथ ख़त्म है बंदा। और अपन का टोटल हो चुका है 4 किल्स। सो यार, यहीं पे अब मेरे पास ड्रिंक नहीं था, मैं अपने टीममेट को मंगी रहा था कि भाई ड्रिंक है क्या अगर गे, क्योंकि उन लोगों के पास भी पेन किलर ही था, तो सोचा पेन किलर ही चलो लगा लेते हैं करके। फिर मैं थोड़ी दूर हम लोग अब जाने वाले थे, उतने टाइम में मैं पेन किलर लगाता हूँ। यहाँ पे देख लो आप लोग, मैं पेन किलर लगा रहा। उसके बाद अपन लोग जोन में जाते हैं, क्योंकि अपन लोग जोन में ही निकलना था अपन लोगों को। सो गाइस, अपन लोग जोन में जा रहे हैं अभी, और सामने अपन को दिख रहा है, आप देख लो यहाँ पे ड्रॉप भी दिख रहा है। सो अपना टीममेट बोलता है कि भाई लोग चलो यार, मेरे पास हेलमेट नहीं है। किसी के पास वेस्ट है बट वो डैमेज्ड है, और हेलमेट भी थोड़ा बहुत डैमेज्ड है। उसको अपन लोग रिप्लेस करके, मतलब नया वाला बोले तो ब्रांड न्यू हेलमेट अपन लोग लाएंगे। इसी के लिए अपन लोग चलते हैं ड्रॉप के सामने, और ऐसा जगह ढूंढ रहे थे। अपने सभी के पास स्नाइपर था अच्छा खासा, EWM प्लस बहुत अच्छे अच्छे गन्स थे, और यहाँ पे थोड़ा लैग हो जाता है। सो इसका स्नैपिंग करेंगे बट यही सामने दिख जाता है बंदा, आप देख लो मेरा लैग ही हो गया था। सो गाइस, यहाँ पे लैग हुआ और यहाँ पे होता है बंदा। अब देखते रहना क्या क्या होता है, अभी कुछ ही मिनटों और सेकंड में कुछ क्या क्या होगा। यहाँ पे बंदा सोता है, मेरे को फुटप्रिंट और फ्री फायर भी आ रहे रहते, समझ नहीं आता बंदा कौन किसको मार रहा है। इधर एक नॉक हो, उसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ, शायद बाहर में कोई ना कोई बंदा आया होगा करके। सो वहाँ पे 2 नंबर क्या कर, समझ नहीं, बंदे को मार ही नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरे से वो नॉक डाउन हो गया था, और मैंने वहीं से उसको पूरा किल कर लिया था। आप देख लो यहाँ पे मेरा हील हो गया, और मैं तुरंत वहीं पे हील किया, क्योंकि यहाँ और बंदे नॉक बंदा हो गए, मतलब और बंदे यहाँ पे अवेलेबल हो गए, और बंदे कहीं ना कहीं होंगे तो इसी घर में। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग लूटते हैं, मेरे को लगता है थोड़ा टाइम के लिए कि सब कोई बंदे नहीं है। उसके बाद मैं थोड़ी इधर उधर चेक करता हूँ, लेकिन कोई बंदा नहीं दिखता है यहाँ पे, मतलब अभी ढंग का चेक नहीं किया हूँ, बस इधर ही घूमता हूँ बाहर साइड कहीं है तो नहीं कर रहे, लेकिन इधर बंदा नहीं होता। इससे इस बंदे से हमें अच्छी खासी लूट भी मिल जाती है वैसे। सो मैं लेवल 2 का ही बैक पैक हमेशा यूज़ करता हूँ। आपने मेरे गेम पे देखो, मैं लेवल 1 का बहुत, लेवल 3 का बहुत से ज़्यादा कम यूज़ करता हूँ। मैं उठा लेता हूँ तो उसे फिर चेंज कर देता हूँ, देख लो अब मैं चेंज ही करता हूँ। उसके बाद मैं धीरे धीरे और कुछ लूटूंगा करके ऐसे ऊपर में जा रहा हूँ। अब देख लो बंदा ही पे लेटा है, देखो भाई उसका 1-2 स्प्रे पड़ा ना, सीधा मैं नॉकआउट। और देखो देखना क्या होता है, अब देखना ये बहुत, ये देखो ये भी गया, 2 बंदे तो उसने M24 M249, 1 बंदा भी हमारा, और ये लास्ट जो हमारे 1 नंबर भाई ने बचा लिया, जो M249 का है डैमेज रहा है, और वो जो बुलेट ख़त्म नहीं होता भाई, क्या गजब की गन है, मैं क्या बताऊँ आपको, सुपर गन है बहुत ज़्यादा। तो यार देख लो अपन तीनों की टीम में, तीनों अभी मतलब पूरा ख़त्म ही होने वाले थे, मैंने 1 नंबर भाई ने बचा लिया। वो बंदा ऐसे मतलब ऐसे कैम कर रहा था, मैं क्या बताऊँ, उसके टीम मेट सभी मार गया था, वो अकेला बचा था, यही अकेला बचा था जो अपनी टीम का बंदा था, जो कि यही अकेला बचा था। सो गाइस, उसके बाद अपन लोग थोड़ा बहुत हील करते हैं, उसके बाद अपन लोगों को जोन में भी जाना। देख लो आप लोग जोन कितना है, और सामने से अपन लोगों का एक फायर। सो सबके पास AWM है, सो अपन लोग देखते हैं कहाँ से आया फायर। मेरे को दिखता नहीं वो बंदा उतना खास, समझ नहीं आ रहा। तो उसके बाद देखा जब ये बंदा 2 नंबर किधर फेस किया, तो वॉच टावर पर देखना आप लोग, नहीं क्या टावर बोलते नहीं पता मेरे को, ये नहीं पता ये कौन सा टावर है। सो गाइस, यहाँ पे बंदा होता है, लेकिन मेरे को उतना टाइम शो नहीं होता, मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ, मैं उसके गाड़ी को डैमेज कर देता हूँ। और मेरे को पता ही नहीं था कि हम लोगों को जोन में जाना है, वो लोग जोन में नहीं आएंगे, हम लोगों को जाना है जोन में। उसके बाद थोड़ा टाइम बाद सोचा, अरे जोन तो हम जोन के बाहर तो हम लोगों को जाना है, मैं उनका क्यों डैमेज करते जा रहा हूँ।
उसी के बाद अब उसके बाद हम मैच सीधा भगते हुए मतलब जो अपना टीममेट था ना फोन चार नंबर वो मतलब नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊंगा मैं तो ऐसे जाऊंगा करके, लेकिन मैं चार नंबर भाई के साथ ही ज़्यादा गेम खेलता हूँ इसलिए उसके साथ ही रुक गया था। चल भाई तू जो बोलेगा उधर ही करेंगे करके सो गए। मैंने एक तुरंत एक तो फर्स्ट एड यूज़ किया और तुरंत चार नंबर भाई के साथ भगते गया मैं भी उसके पीछे पीछे। वो बंदे मेरे को मतलब स्पॉट अभी तक नहीं किए थे, इस किए भी होंगे लेकिन तो ध्यान नहीं किया। उसके बाद लास्ट में जब मैं यहाँ लेटने वाला होता ना तब भाई जो शॉट आता है ना पट से कान के नीचे के पास से AWM का, वो दर्दनाक शॉट मतलब सब मतलब तुमको ही मतलब पढ़ने ही वाला होता है कि मैं लेट जाता हूँ ऐसा सोच लो तब खतरनाक वाला शॉट आता है उतने टाइम। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखता हूँ कि वो इस वाले हाउस से साइड कोई बंदा है नहीं, लेकिन इस साइड तो मेरे को दिखाई नहीं देता और जो भी होता है वो स्टोर के पास वो स्टोर ही बोलते हैं शायद तक मेरे हिसाब से। और AWM से मुझे तो देखो यहाँ पे बंदा ही नहीं दिखा, क्या पता ख़त्म होगा नहीं पता ख़त्म तो नहीं होता क्योंकि मैं ही जाऊँगा फिर भी ख़त्म होगा। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत कवर लेते हुए जा रहा था, पता नहीं वो बंदा कब से आके इधर उधर मार वार देगा करके। कवर लेते हुए चार नंबर भाई और मैं चल रहे थे। सो यहाँ पे मेरे को दिखता है वो बंदा जो कि देख लो आप लोग दिख रहे हो, और ये M416 का ज़बरदस्त स्प्रे के साथ ताबड़तोड़ स्प्रे के साथ बंदा नॉकडाउन हो चुका है और चार भाई ग्रेनेड मार के मेरा भी किल ले जाते हैं। सो गाइस यही है, यही मतलब इसी कारण हम लोग यहाँ का बंदा पूरा ख़त्म कर चुके हैं और कोई बंदा यहाँ पे अभी नहीं है। सो यहाँ पे एक और बंदा है, नहीं वो ग्रेनेड का ही साउंड था जो कि मैं आपको दिखाई दिया और कोई बंदा नहीं है यहाँ पे। सो उसके बाद अब कितने बंदे अलाइव है, अब बंदे अलाइव है टोटल 5 क्योंकि 5 प्लस 4 9 ही होता है। सो अब अलाइव है 5 बंदे, 5 बंदे अभी जिंदा है। सो 5 बंदे किधर होते हैं आप गेस कर लो कहाँ पे होंगे, पाँचों के। सो फिर से मैंने लेवल 2 का बैग और वेस्ट थोड़ा बहुत उठाते हुए ये लेवल 3 का बैग पैक ड्रॉप करके लेवल 2 का बैग पैक उठा लिया हमने। अपन लोग इधर से फिर आगे जाएंगे क्योंकि अपन लोग जोन में ही हैं बट अपन लोगों को बंदे मारने। सो अपना भाई बोलता है कि उधर है बंदे करके, लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं देता किधर है बंदे। मैं आवाज़ इसलिए म्यूट कर दूँ क्योंकि उतना खासा मेरे आवाज़ तो ये नहीं है, बेकार ही आ रहा है आवाज़ करके मैं इसको म्यूट कर देगा। सो थोड़ा सा और वेट करो, तुम्हारे भाई को थोड़ा सामान लेने दो, उसके बाद चलो अपना सामान पैक पैक पूरा हो चुका। फिर से मैं लेवल 2 लेवल 3 ये दिमाग ख़राब हो जाता है साला कौन सा क्या उठाना है करके। सो तुम्हारा भाई इसके बाद अब निकलेगा देखना, थोड़ा और देखता है बंदा है कि नहीं तुम्हारे भाई को, अगर कोई से मार दे तो फिर गेम प्ले कैसे बनेगा। सो यहाँ पे अपन लोग निकलते हैं क्योंकि ये पता पहले यहाँ पे पता नहीं है सामने होगा जो भी बंदा होगा वो सामने होगा क्योंकि सामने में एक घर था जो कि घरों पे ही बंदे थे। आपको दिखाऊंगा सामने में एक घर, देख लो वहाँ पे दिखाई देगा आपको घर है। फिर मैं डर रहा था क्योंकि आसपास भी हो सकता है क्या पता लेटे होंगे इसमें, तो यहाँ पे तो गेहूँ की फसल बोल सकते हैं इसको नहीं पता। यहाँ पे बंदा तो मुझे दिखाई नहीं देता है। सो सामने ही घरों पे बंदे होते हैं क्योंकि बोर रहते हैं अपने टीममेट्स। फिर मैं सभी चेक करा था इधर उधर तो नहीं है, क्या पता कि पट से हेडशॉट मार दे, तो इसी कारण मैं इधर उधर देख रहा था। मेरा टीममेट पूछता है किधर है बंदे करके, तो समझ नहीं आता मेरे को किधर साइड ही बंदा है उसका। वो बताता है कि इधर देख इधर 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 ऐसा करके गाड़ी में घूम रहे करके, टोटल 8 बंदे वो भी 4 हम लोग भी 4। सो वो बोलता है मत मार करके, लेकिन मैं एक बंदे को मार ही देता हूँ। यहाँ पे एक बंदे को हेडशॉट पड़ा, लेकिन यहाँ पे मेरा एम थोड़ा गड़बड़ा जाता है क्या कारण कुछ कारण समझ नहीं आता। मैं थोड़ा लेट में बटन जो फायर बटन होता है उसे मैं लेट में क्लिक करता हूँ, इसका एक और बंदा नॉक होने से बच जाता है। सो गाइस यहाँ पे 2 गाड़ी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं जिसके सामने 4 बंदे हैं और अपन लोग 4 हैं, तो टोटली 4v4 है, 4 बंदे वर्सेस 4 बंदे 4v4। उसके बाद अपन लोग मैं सीधा इस भागता हूँ सीधा थोड़ा बहुत मतलब इसको पिन करते हुए, और अपने माफिया भाई ने एक बंदे को सीधा नॉक डाउन कर दिया एक और बंदे को। उसके बाद मैं सामने स्मोक कर रहा हूँ, अगर बंदे देखे मत करके थोड़ा बहुत धीरे धीरे मैं थोड़ा स्प्रे देता हूँ कवर फायर के लिए, मत मारे मेरे को। तो पीछे से और फायर आता है जो कि वो घर वाला बंदा था, एक जो बंदा बजा था वही घर वाला, उसको अपना भाई भाई वो उसको तुरंत निपटा देता है, बिना प्लान हो जाता है वो भी बंदा। उसके बाद अपन लोग सीधे यहाँ सीधे निकल जाते हैं, वो 4 नहीं थे सॉरी वो 3 बंदे थे शायद,
पीछे एक और बंदा था उसका, जो टीममेट था ना पीछे था। सो वहाँ पे सामने अपन लोग जाएंगे और ये फाइनली अपन लोग को चिकन डिनर। हमारे भाई को कुछ करने की ज़रूरत ही पड़ी। सो गाइस ये अपना भाई का जो कि आज का एमोट्स यार, यही तक आज के वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। चैनल को सब्सक्राइब करो यार प्लीज़ यार, हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और चैनल को नहीं सॉरी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो कि वीडियो को कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो कमेंट करो, कमेंट करना भाई, क्योंकि आप लोग जो भी बोलोगे उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। सो गाइज हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो रात को मैं रात को बना रहा हूँ वीडियो। सो गाइज यही तक थी, देख लो आप कितना टाइम 11 बज रहा है, क्यों बनाते 11 बजे। सो गाइज यहाँ पे 11:30 हो रहा है। सो गाइज यही तक थे, लाइक कर सकते हो और बाय।